पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसको। प्रणाम सर, नमस्कार, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस बस ठीक है, काफी ठीक है, ये जितना जैसा होना चाहिए उससे काफी ठीक है। ये परमेश्वर का हमारे ऊपर एक आशीर्वाद है और वो आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य के रूप में हमें भी प्राप्त हो रहा है। चूंकि एक ज्योतिष के छात्र होने के नाते और आपके छात्र पुत्र होने के नाते, शिष्य पुत्र होने के नाते, हमारा भी अपने आप में एक मनोकामना है कि आपका स्वास्थ्य चिरकाल तक स्वस्थ रहे। आप हमने पीछे भी आपके साथ श्रृंखलाएं जो बनाई उसी के अनुमोदन पर, जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उन्होंने कई कहा कि अब इस श्रृंखला के अंदर थोड़ी सी और गंभीरता ले आएं और विषय के अनुसार, सिलेबस के अनुसार इसको प्रदान करें। तो यद्यपि आपकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर आपने बहुत अपने अनुभव काल का, जीवन काल का निचोड़ इसके अंदर दे रखा है और आने वाले समय में इससे और ऊपर के स्तर की जो पुस्तक आप, जिसके ऊपर आपका शोध अभी भी चल रहा है, गहन चिंतन चल रहा है, उसके भी दर्शकों को बहुत कुछ मिलेगा। आज चूंकि ये प्रश्न काल जो है वो मूलतः विषय के ऊपर था, छात्र जानना चाह रहे थे कि प्रश्न के अंदर जो विभिन्न विषय हैं उनको कैसे ले जाएं, तो आज का जो पूरा व्याख्यान है वो इस पुस्तक के अंदर, ये हो सकता है आपको उल्टी दिखाई दे रही हो क्योंकि कैमरे के कारण से, द आर्ट ऑफ प्रश्न श्री जे एन शर्मा जी के द्वारा अनुमोदित है। आज का प्रश्न काल पूरा स्वास्थ्य के ऊपर और रोगी के स्वस्थ होने के ऊपर हमने सर के साथ निर्धारित किया हुआ है। हमारे दर्शक चाहें तो इस प्रश्न पुस्तक की पृष्ठ संख्या पेज नंबर 69 से लेके हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सर ने इस पुस्तक के अंदर प्रदान किया है कि किस प्रकार से हेल्थ के बारे में देखना चाहिए। यद्यपि आचार्य श्री को, सर को इस पुस्तक के रेफर टू द कंटेस्ट की आवश्यकता नहीं है, उनको तो एक एक शब्द इसका कंठस्थ है, लेकिन मैंने अपने दर्शकों के लिए ये बताया कि जो हमारी वार्तालाप रहेगी उसमें क्या हम सर से प्रस्तावित करना चाहते हैं वो उस पुस्तक के अंदर पृष्ठ नंबर 69 से लेके स्वास्थ्य के बारे में आपको देखने को मिलेगा। कई बार जब व्यक्ति गंभीर और जटिल असाध्य रोगों से गुजर रहा होता है और एक चिकित्सक भी अपना पूरा अनुभव लगा के, ज्ञान लगा के उसको अपनी अच्छी चिकित्साएं प्रदान कर रहा होता है, लेकिन घर के परिवारजनों के संबंधियों के मन में एक उत्कंठा होती है कि ये कैसे ठीक होंगे या क्या है। दूसरी बात, यद्यपि हम चिकित्सा के बीच में और ज्योतिष के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि रोग कहीं और उत्पन्न है और उसे ढूंढा कहीं और जा रहा है। जब तक उस रोग तक पहुंचने के लिए कई प्रकार के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, उससे पहले ही ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसे भी व्याख्यान हैं जो बता देते हैं कि रोग कहाँ पे प्रस्तावित हो सकता है। केवल आवश्यकता है एक निपुण ज्योतिषाचार्य की और मेरे आचार्य श्री जे एन शर्मा जी के आशीर्वाद की। तो आज इसी पुस्तक के ऊपर स्वास्थ्य के बारे में सर से प्रश्न आरंभ करते हैं। सर, जैसा कि वार्तालाप में अपने आप ही एक मुंह से निकला कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपने कहा कि उत्तम है और जैसा होना चाहिए उससे अति उत्तम है, तो ईश्वर ने चाहा तो इस पुस्तक के द्वारा जो लाभ लेंगे, लाभान्वित होंगे, वो भी और उत्तम होंगे और अति उत्तम होंगे। ये कई बार ऐसा आपसे सीखने को मिला है कि लक्षण विज्ञान भी एक परिस्थितियों को बताता है, तो ये आपके श्रीमुख से जो निकला कि स्वास्थ्य अच्छा है और अच्छा ही होगा, तो दर्शकों को यही प्राप्त होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्या प्रश्न विद्या के द्वारा ये जाना जा सकता है कि रोग क्या है, कैसे है, गंभीरता क्या है और इसमें किस किस भावों को
संकलित कर लेना चाहिए। तो प्रारंभ में मैं केवल ये कहूँगा कि आज ये सारी व्याख्या केवल आप ही करें और इसमें बताएं कि लगन को हम किस प्रकार से देखें, लग्नेश को किस प्रकार से देखें, चतुर्थ को किस प्रकार से देखें। जैसे कि इस पुस्तक को मैं भी थोड़ी देर पहले अध्ययन कर रहा था जिससे कि मैं आपसे कुछ प्रश्न संकलित कर सकूं। सप्तम को कैसे देखें, दशम को कैसे देखें, साथ ही साथ छठे स्थान का क्या इससे कोई संबंध होता है प्रश्न कुंडली में या नहीं। तो व्याख्या और ये मंच मैं आपको अनुमोदन करता हूँ कि आप इस पर बताइए कि यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न करता है तो हमारी त्रिव दृष्टि सबसे सर्वप्रथम कहाँ होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न आता है, प्रश्न ये बतलाता है, प्रश्न से ये हमें एक संकेत मिलता है कि प्रश्न किस प्रकार का। आज जैसे हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के बारे में हम ये कहेंगे कि प्रश्न में ये देखा जाता है कि अगर मग्नेश लग्न जो है चर राशि का हो और लग्न में लग्नेश बैठा हो और बेनिफिक्स से देखा जाता हो और चंद्रमा जो है 3, 6, 11 में उच्च स्थान में हो तो वो प्रश्न बतलाता है कि आदमी पूर्णतः स्वस्थ है, इसको कोई बीमारी नहीं। अगर इस लग्नेश एफेक्टेड हो, दूषित हो, आप कौन से देखा जाता हो पाप राशि में हो तो वो एक देख जाता है कि ये जो प्रश्न है जो हमारे सामने तो ऐसा प्रश्न है जिसमें कि आदमी को दिक्कत है, नेगेटिव प्रश्न है, आदमी को बुरे घंटे नुकसान है, हम ये इंडिकेट कर लग्नेश लग्न अगर एक वीक लग्न हो लग्नेश अगर वीक हो और वीक होकर के छठे या बारहवें स्थान में फिक्स साइन में स्थिर राशि में बैठा हो तो जो रोग की प्रकृति है वो गंभीर है, गंभीर बीमारी। तो इस तरह से हमें इसका यहां से आपके बारे में हमें पता लग जाता है कि हमारे पास प्रश्न आया है वो बीमार आदमी का है या स्वस्थ आदमी का। इसी तरह से कि लग्नेश जो है अगर बेनिफिक हो और बेनिफिक इसको बेनिफिक राशि में बैठा हो और लग्नेश को बेनिफिक हो, बेनिफिक ही उसको देख रहे हो तो वो लगता है कि आदमी को इस प्रकार से सब तरह का आराम है उसको, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, मेंटली, हाँ उसको सब तरह का भगवान की कृपा है, उनको इस समय कोई को दिक्कत नहीं। इस तरह से हम प्रश्न देख करके ये अंदाज लगा सकते हैं कि जो प्रश्न है हमारे सामने वो किस किस्म का प्रश्न है, बीमारी का प्रश्न है या एक स्वस्थ आदमी का प्रश्न है। सर, क्या प्रश्न के भीतर यदि ये विषय थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्या किसी की योग्यता के बारे में, एक चिकित्सक हैं, हो सकता है वो हृदय चिकित्सक हो और वो लीवर यकृत के चिकित्सक उतने ज़्यादा ना हो, हो सकता है एक हड्डी विशेषज्ञ, अस्थि जो हैं हमारी हड्डियों के विशेषज्ञ हों लेकिन वो हार्ट को कम जानते हों, तो
एक जो हमारा रोगी है, अस्वस्थ व्यक्ति है, तो वो क्या अपना उचित उपचार उचित स्थान पे करा रहे हैं? क्या प्रश्न इस बात का संकेत देता है? जब हम रोग प्रश्न से संबंधित बातचीत करते हैं, तो जैसे मैंने पहले अपने व्याख्यान में आप लोगों से बताया था कि प्रश्न का प्रकृति बदलते ही चार सारा प्रकृति का सारा हाव भाव बदल जाता है। रोग का प्रश्न आते ही जो हमारे कारक पर जो होता है प्रश्न, उसको देखना होता है। तो दर्द जो है वो वैद्य चिकित्सक को इंडिकेट करता है। चौथा घर इसमें दवाई को औषधि को इंडिकेट करता है। सातवां घर इसमें बीमारी को इंडिकेट करता है। दसवां घर जो है उसमें रोगी को इंडिकेट करता है। तो जो आपका सवाल, तो रोगी को डॉक्टर का कहते हो, तो जो दर्द है वो डॉक्टर है। मैं जो दर्द कह रहा हूँ लग्नेश्वर कह रहा हूँ। अगर लग्न में पहले से प्लेनेट बैठा है, या लग्नेश खुद लग्न में बैठा है और उसका संबंध शुभ ग्रहों से है, तो ये एक माना जा सकता है कि रोगी जिस डॉक्टर जिस वैद्य से जिस चिकित्सक से जिस डॉक्टर से इलाज करा रहा है उसके इलाज से रोगी ठीक हो जाए। यही चीज अगर मैलिफिक प्लेनेट और मैलिफिक एस्पेक्ट्स हो अगर लग्न पर, तो फिर कह रहे हो लग्नेश पर नहीं कह रहा हूं, लग्न पर कह रहा हूं। अगर उस पर क्रूर ग्रहों का पाप ग्रहों का स्वभाव हो, तो उसका मतलब यह है कि कितनी भी कोशिश कर ले वो जो वैद्य है वो चिकित्सक है रोगी के रोग का निदान नहीं कर पाए। इसी तरह से वहां ये कहा जाता है प्रश्न के बारे में, अगर स्थिर लग्न है स्थिर लग्न है तो रोगी का जो निदान डॉक्टर ने किया है चिकित्सक ने क्या वो निदान है, तो ये इंडिकेशन हमें ये इस किस्म के जो संकेत हमें वहां से प्रश्न को मिल जाते। लेकिन सबसे बढ़िया कि ज्योतिष में जो चीज सामने देखी जाती है और जिसमें कि शायद हमारा हम इतना ध्यान भी नहीं देते और उस पर बहुत ज्यादा शायद हमारा नियंत्रण भी नहीं रहता है कि सबसे जो जरूरी चीज है, दो चीज है उसके लिए, चाहे वो प्रश्न हो चाहे वो आपका जन्म कुंडली हो, कि हम एक तो निष्पक्षता बरते हैं, निष्पक्षता बरते हम सापेक्ष नहीं हो निरपेक्ष, हम सिर्फ जो है वो जो कुंडली जो बोल रही है सिर्फ वो बोले तो अपने तरफ से कुत्ते बोले, जो मैं आमतौर से कहा करता हूँ कि जब तक जो ज्योतिष बोलेगा तब तक बात सही होगी और जब ज्योतिषी बोलना शुरू करता है तो बात गलत हो जाता है। जब मैं ज्योतिष बोलने की बात करता हूँ तो उसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुरूप ही जो कुछ बोलना है हमें हम वो बोले, हम अपनी जो है इच्छाओं को या अपनी राय को तो एक तरफ रख करके बात करें वो ज्यादा अच्छा। सर, संक्षेप में अभी तक की बातचीत में, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा इंटरनेट बीच में दिक्कत करता है, कई लोगों के बीच में प्रश्न आते हैं कि हम कुछ सुनना चाहते थे, सर ने बोला और समझा नहीं, मैं इनको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपने कहा कि यदि लग्नेश व चंद्रमा 3, 6, 10, 11 में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो व्यक्ति स्वस्थ है, कोई घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है। मैं दोबारा बोल
लग्नेश का शुभ ग्रहों से इंतजार हो और चंद्रमा जो है वो उच्च स्थान होना, चंद्रमा का उच्च स्थान होना बहुत जरूरी है। यहाँ चंद्रमा तो उतना ही हमने इतने उसको महत्व दिया है जितने भी लग्नेश को दिया जाए। प्रश्न बीमारी के प्रश्न तो बच्चे मैं यहाँ तक कहता हूँ, जैसे कि डॉक्टर डॉक्टर बीमार होते हैं तो आप रेडियो पर या टेलीविजन बताते कि बुलेटिन इशू हुआ, मेडिकल बुलेटिन इशू हुआ है कि रात को इनकी कंडीशन में सुधार आया या कुछ गिरावट आई या ऐसे ऐसे रहा ये सब कर। तो उसी तरह से चंद्रमा जो है वो हमारा जो इंडिकेट करता है कि हालत क्या रही है, मेडिकल बुलेटिन हमारा चंद्रमा। चंद्रमा जैसे जैसे शुक्र के साथ स्ट्रॉन्ग होकर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग चंद्रमा ये निकालता है कि आदमी की हालत सुधार आ रहा है। वीक चंद्रमा जो होता है पाप ग्रहों के साथ होता है तो वहां पर उसके आदमी रूप में गिरावट आ रही है, ये इसमें देखा जाता है। तो चंद्रमा को भी हम उतना ही महत्व देंगे जितना कि हम लग्नेश को देते हैं। और चंद्रमा का उच्च स्थानों में होना एक विशेष, चाहे वो हम जन्म कुंडली के चाहे प्रति कुंडली के, उसका एक अलग महत्व है। तो लग्नेश जब हमारा शुभ स्थानों में लग्न में बैठ गया, शुभ ग्रहों से ही इतिशाल कर रहा है, शुभ राशि में बैठा है और चंद्रमा उच्च स्थान में हो, तो इसका सीधे मतलब तुम्हारे सारे जो फैक्टर जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो है आने वाले जो समय में जो प्रश्न जो हमारा पॉजिटिव की तरफ इंडिकेशन है। लग्नेश का शुभ ग्रहों से इतिशाल हो, चंद्रमा उच्च स्थानों में हो, ये रोगी के स्वस्थ अच्छे स्वास्थ्य के बारे में संकेत दे रहे हैं। लग्नेश यदि क्षीण हो, क्षीण अवस्था में हो, दुर्बल हो और 6 और 8वें स्थान में हो और फिक्स साइन में हो, स्थिर राशि में हो, तो ये रोग की गंभीरता के बारे में भी दर्शाता है। क्षीण अवस्था का मतलब ये है कि चंद्रमा अगर मान ले क्षीण अवस्था में तो है, लेकिन वो शुक्ल पक्ष का है, तो शुक्ल पक्ष होने का मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता जो उसके जो वीकनेस है चंद्रमा की, जो उसके जो क्षीणता है वो कम कम होती चली जाती है और वो अपने एक स्ट्रेंथ गेन करता है, वो अपना एक बल उसमें आता रहता है। तो उसको जब वो देखेंगे और वो बचा दूसरे के चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो और वो कृष्ण पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अगर क्षीण चंद्रमा किस पक्ष का है और खासतौर से अमावस के आसपास का है तो कह सकते हैं कंडीशन में उसकी में गिरावट आए, डिटेरियरेशन आए। लगन को मूलतः केवल चिकित्सक के बारे में देखना चाहिए कि चिकित्सक की योग्यता परिपूर्ण है। रोग प्रश्न के अध्याय के अंदर रोग प्रश्न बताया कि वो जैसे प्रश्न की हमारी नेचर बदलती है, प्रश्न को लेकर सारे हाव-भाव बदल जाते जी, सारे केंद्र पर उसके कारक बदल जाते जी जी। तो लग्न जो है रोग प्रश्न अध्याय के अंदर चिकित्सक के बारे में संकेत देता है, उसकी योग्यताओं के बारे में संकेत देता है, उसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में संकेत देता है और वो जो उपचार को पकड़ पा रहा है या जो रोग निदान जो उसको पकड़ में आ रहा है उसके बारे में संकेत देता है। यहाँ लग्नेश के बारे में नहीं है, केवल लग्न के बारे में है। चतुर्थ स्थान औषधियों का है।